नागिन 4 के आने वाले खतरनाक एपिसोड में नयनतारा को कौन सा बड़ा झटका लगेगा, और नागरानी मान्यता की मौत होगी या नहीं, और वृंदा पे कौन सा बड़ा खतरा आएगा, और महादेव की नागमणि की वजह से नयनतारा पे कौन सी बड़ी मुसीबत आएगी, और विशाखा को कौन सा बड़ा झटका लगेगा, और कौन से बड़े राज का खुलासा होगा, और क्या होगा आने वाले एपिसोड में, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बाजू के बेल आइकन को भी दबा दें। वृंदा को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब देव वृंदा से अपनी शादी का इजहार कर देता है, और वृंदा नयनतारा की मौत का बदला लेने के लिए पूरे पारिक परिवार को और देव को जान से मारने के लिए देव के साथ शादी करने के लिए हाँ कह देती है, और देव एंड वृंदा की शादी हो जाती है। और लेकिन महादेव मंदिर में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब विशाखा नयनतारा को मंदिर के अंदर कैद कर लेती है, और चौंका देने वाली बात तो ये होती है कि वृषाली और पूरा पारिक परिवार नागरानी मान्यता को जान से मारने के लिए लाल टेकरी मंदिर जाते हैं, और लेकिन दुख तो तब होता है जब बाबा मान्यता की जान बचाने की कोशिश करते हैं, तभी वृषाली का साला बाबा को कुल्हाड़ी से जान से मार देता है, और नागरानी मान्यता को वृषाली और पूरा पारिक परिवार अपने घर ले जाते हैं। और लेकिन वृंदा को बड़ा झटका तब लगता है जब देव फूलों से सुहागरात के लिए बेड को सजा रहा होता है, तभी देव वृंदा को परेशान देख वृंदा के हाथ को टच करता है, और वृंदा को भभूत की वजह से काफी बड़ा झटका लगता है, और वृंदा देव के पूरे शरीर से भभूत को मिटाने के लिए घर के बाहर चली जाती है और अपनी दिव्य शक्तियों के जरिए बारिश और तूफान वाला मौसम कर देती है, और वृंदा बारिश के बीच देव को बुलाती है, और बारिश की वजह से देव के पूरे शरीर से भभूत निकल जाता है। और लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब हिला देने वाली बात तो ये होगी कि आने वाले एपिसोड में वृंदा देव को जान से मारने की कोशिश करेगी, लेकिन देव को नहीं मार पाएगी, और 50 पूर्णिमा रात्रि के बाद महादेव के लाल टेकरी मंदिर में नागमणि निकलेगी, और नयनतारा वृंदा की तरह बनने के लिए और इच्छाधारी नागिन की शक्तियों को पाने के लिए नागमणि को छू लेगी, और नयनतारा एक सबसे शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन बन जाएगी। और लेकिन खुफिया सूत्रों के अनुसार हो सकता है कि विशाखा और नयनतारा के बीच काफी बड़ी जंग देखने को मिलेगी, और लेकिन बिचारी वृंदा को काफी बड़ा झटका लगेगा जब बाबा के जरिए वृंदा को पता चलेगा कि उसकी माँ को पारिक परिवार वालों ने भभूत के जरिए कैद कर दिया है, और वृंदा अपनी माँ को बचाने के लिए कौन सी बड़ी चाल चलेगी ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। और आप यह आने वाले एपिसोड में नयनतारा को इच्छाधारी नागिन के रूप में देखना चाहते हो या नहीं, यह हमें जरूर बताएं, और आप ये सब आने वाले एपिसोड में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो यह हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।